विरोध हो रहा है उसी के ऊपर। तो मैंने ये डाला था कि इस पे जो लोग विरोध कर रहे हैं वो विरोध तरीके से संवैधानिक दायरे के अंदर करें, कोई इस तरह का ना करें। उसके ऊपर मैंने अपनी बात लिखी थी और उसमें कुछ सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का उल्लेख किया था। तो उस पर तमाम लोगों ने अपनी राय रखे, पक्ष में विपक्ष में तमाम तरह की बातें हुई। दो तीन लोग व्यक्तिगत गालियाँ देने लगे फोन पे, अलग अलग नंबरों से, सऊदी के नंबरों से, यहाँ वहाँ से मुझे धमकी देने लगे जान माल की। कुछ लोग गांव में बैठ के जो है पंचायत इस तरह का करने लगे कि इनको इस्लाम से बहिष्कार करा दूँ, इनका इनसे न्योता पानी बंद कर दो, इनका जो है कोई इनके यहाँ आए जाए ना, तमाम तरह का जान माल का धमकी देने लगे। मैंने सिर्फ अपनी बात ली, बात ये इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो संविधान के विरुद्ध हो। संविधान के दायरे में रहकर मैंने अपनी बात की थी कि भाई अपने लोग जो इसमें गरीब आम जनमानस परेशान होता है किसी भी बंद में किसी भी आंदोलन में वो परेशान होता है, उसके बारे में कहा था कि वो लोग अपने घर पर हैं शांति तरीके से, अगर करना भी चाहते हैं कुछ इसमें उनको गलत लगता है तो वो तरीके से सलीके से इसका विरोध। क्या नाम है जिन लोगों ने आपको धमकी दी है? एक सजील खान है और एक शीश खान, ये दो लोग एक सऊदी में रहते हैं, वहाँ से ये कई अलग अलग नंबरों से नेट के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी, चंदा इकट्ठा करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तमाम तरह की। मैंने थाना अध्यक्ष जी से तुरंत इसकी सूचना उनको दी भी और उनको बताया भी, उन्होंने जो है मौके पे खुद गए भी और भेजा भी लोगों को, लेकिन वो एक तो रात ही में भाग गया। लेकिन अब तक और जो है कार्रवाई, ताकि इसे हम खतरा बना हुआ है लगातार, और मैं गुहार भी करता हूँ शासन प्रशासन से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृहमंत्री जी से भी कि जो है वो मेरी बात को, क्या सच बोलना इतना बुरा है इस दौर में? मैंने सच कहा, अब इसको एक पार्टी से जोड़ दिया गया, मैं एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, इसमें कोई दो राय। तो क्या आज आपने एसपी साहब से? हाँ, मैंने टेलीफोन पे उनको जो है वार्ता की थी कुछ देर पहले, मिलना चाह रहा था मैं उनसे, मैंने बुलाया तो उनके प्यारों साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट के बाद बताते हैं, कहीं वो निकले हुए थे क्षेत्र भ्रमण में, उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको 10 मिनट बाद बात कराना चाहते हैं। तो हम मिलना चाहते थे कि मिल के कप्तान साहब से, उनसे मुझे न्याय की उम्मीद भी है और वो बहुत ही ठीक भी हैं, बहुत बढ़िया जिला चला भी रहे हैं, उनसे उम्मीद भी है कि उनके साथ न्याय करेंगे। तो उन्होंने मुझे अभी, मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हो पाई है, प्यारो जी ने कहा है कि अभी हम आपकी बात कराएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो, जो वैधिक कार्रवाई बन रहा हो, और इस तरह के लोगों को चिन्हित करके, जो कि मैंने पूरा पत्रावली के साथ साच के साथ दिया भी है और मैं देन मेरे हाथ में भी है, बस यही चाहता हूँ। क्या एक सरकार की नीतियों का बखान करना, एक सामाजिक दायरे में रह के अपनी बात कहना इतना गलत है? तो बहुत लोग कर रहे हैं, सबके ऊपर सबका विरोध होना चाहिए, मेरा ही क्यों? क्योंकि मैं एक विशेष समुदाय से आता हूं, तो इतना वो मेरे ही समुदाय के लोग। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं श्री इमरान खान, और इन्होंने फेसबुक पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके पक्ष में समर्थन में एक अपील फेसबुक पर लिखी थी, और अफवाहों को दूर करने के लिए भी इन्होंने अपील की थी। इनकी फेसबुक पोस्ट पर कुछ लोगों ने आपत्तिजनक कमेंट किए हैं और इनको धमकी भी दी फोन से, तो उनकी तहरीर पर थाना कटरा बाजार में अभियोग पंजीकृत किया गया है दो व्यक्तियों के विरुद्ध, और इनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। इनमें से एक अभी दुबई गया हुआ है, जैसे ही वापस आएगा भारत तो उसको तब गिरफ्तार करेंगे, और एक भारत में है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके विवेचनात्मक कार्रवाई खोज की जाएगी।